द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा अपने विधानसभा के पीएनटी ब्लॉक का अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे में विनय मिश्रा जहां से भी गुजरे उनका सामना बदहाल सड़कों, बहते सीवर के पानी और समस्याओं से परेशान लोगों से हुआ। ये तस्वीरें काफी है बताने के लिए कि ये अभी तक सिर्फ नाम की ही द्वारका विधानसभा है। विकास से कोसों दूर इस विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन किसी नायक की तरह विधायक विनय मिश्रा ने अपने चुनाव में वादा किया था कि वह जब चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले बदहाल सड़कों की तस्वीर बदलेंगे। आज तुमको कह रहा हूँ, तुम मनमानी करो, मेरा नाम भी विनय मिश्रा है। जिस सड़क की क्वालिटी खराब होगी वो खड़वा कर दोबारा बनवा लूंगा, ये ध्यान रखना। और जो सड़क खोद खोद के तुमने छोड़ दी है, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा 11 तारीख का परिणाम मान दो, ये बच्चा जीत के आएगा तो परिणाम घर बाद में पहुंचूंगा, पहले ये सारे ठेकेदार लंड लगे यहाँ सड़कें बनवाता दिखा दूंगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। और अब नायक की तरह विनय मिश्रा अपने वादे को निभाते नजर भी आते हैं। जैसे ही जनता ने विनय मिश्रा को विधायक बनाया, वैसे ही विनय मिश्रा ने भी दिल खोलकर जनता का स्वागत करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। और अधिकारियों के लाव लश्कर के साथ विनय मिश्रा जनता के बीच जा पहुंचे। विधायक विनय मिश्रा ने अधिकारियों और जनता को भरोसा दिलाया है कि उनकी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। फिलहाल अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाते विनय मिश्रा लोगों की समस्याओं को दूर करने में जुटे हैं। अगर यही वानगी आगे भी चलती रही तो निश्चित रूप से यह विधायक विनय मिश्रा की लोकप्रियता में और भी इजाफा करेगी। नई दिल्ली द्वारका विधानसभा से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।